दोस्तों कटहल फल है या सब्जी, इसे लेकर बहुत सारे लोगों में मतभेद है। कोई इसे फल मानता है तो कोई इसे सब्जी कहता है, लेकिन कटहल कई औषधीय गुणों से भरपूर है। कटहल का वानस्पतिक नाम आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस है। कटहल में कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, थायमिन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, नियासिन और जिंक। यही नहीं, इसमें खूब सारा फाइबर पाया जाता है। हालांकि इसके बावजूद ज्यादातर लोग कटहल को नॉनवेज का वेज ऑप्शन मानते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको कटहल में मौजूद पोषक तत्वों और उनसे मिलने वाले ऐसे फायदों के बारे में बताना चाह रहे हैं जिनको सुनकर आप खाएंगे जरूर, क्योंकि वो आपको सेहतमंद रखने के लिए फायदेमंद है। सबसे पहले बात करेंगे दिल को सेहतमंद रखने की। कटहल में कैलोरी नहीं होती है, ये दिल के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। कटहल में पोटेशियम पाया जाता है जो कि दिल की हर समस्या को दूर करता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने की। कटहल काफी रेशेदार होता है और इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। ये एनीमिया दूर करता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। बात करेंगे सही डाइजेशन की। कटहल अल्सर और पाचन संबंधी समस्या को दूर करता है। कब्ज की समस्या को दूर करने में भी ये बहुत फायदेमंद है। कटहल की पत्तियों की राख अल्सर के इलाज के लिए बहुत उपयोगी होती है। हरी ताजा पत्तियों को साफ धोकर सुखा लीजिए। सूखने के बाद पत्तियों का चूर्ण तैयार कर लीजिए। पेट के अल्सर से ग्रस्त व्यक्तियों को इस चूर्ण को खिलाइए, अल्सर में बहुत लाभ मिलेगा। तो जिन लोगों को अल्सर है उनके लिए तो ये रामबाण से कम नहीं है। बात करेंगे अस्थमा थायराइड के इन्फेक्शन की। जी हाँ, कटहल की जड़ अस्थमा रोगियों के लिए लाभदायक मानी जाती है। इसकी जड़ को पानी में उबाल कर बचा हुआ पानी छान कर पीने से अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है। थायराइड के लिए भी कटहल उत्तम है। इसमें मौजूद सूक्ष्म खनिज और कॉपर थायराइड चयापचय के लिए प्रभावशाली है, यहाँ तक कि ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। बात करेंगे हड्डियों को मजबूती देने की और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की। हड्डियों के लिए कटहल बहुत लाभकारी है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम हड्डी में मजबूती लाता है और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से बचाता है। यही नहीं, इसमें विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है। यही वजह है कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में इसका कोई सानी नहीं है। बात करेंगे जोड़ों के दर्द में रामबाण की। कटहल के छिलकों से निकलने वाला दूध अगर सूजन, घाव और कटे फटे अंगों पर लगाया जाए तो इसमें आराम मिलता है और जो ये कटे फटे अंग हैं ये भर जाते हैं। इसी तरह इसके दूध की अगर जोड़ों पर मालिश की जाए तो जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिलती है। बात करेंगे मुंह के छालों को ठीक करने की। तो जिन लोगों को बार बार छाले होने की शिकायत है उन्हें कटहल की कच्ची पत्तियों को चबाकर थूकना चाहिए, ये छालों को ठीक कर देता है। इसमें पाए जाने वाले कई खनिज हार्मोन्स को भी नियंत्रित करते हैं। लेकिन कटहल की पत्तियों की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए पत्तियां चबानी पड़ेंगी और इसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा जहां कटहल की पत्तियां मिलती हैं। बात करेंगे ताजगी और आंखों की रोशनी बढ़ाने की। पके हुए कटहल के पल्प को अच्छी तरह से मैश करके पानी में उबालकर पीने से शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। कटहल में विटामिन ए पाया जाता है जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और त्वचा निखरती है। बात करेंगे चेहरे को दमकाने की। कटहल के बीज का चूर्ण बनाकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ हो जाता है और दाग धब्बे मिट जाते हैं। जिन लोगों का चेहरा रूखा और बेजान होता है उन लोगों को कटहल का रस अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। इसकी मसाज तब तक करें जब तक ये सूख ना जाए। फिर इसमें थोड़ी देर अपना चेहरा पानी से धो लीजिए और देखेंगे कि आपका चेहरा दमकने लगा है। बात करेंगे झुर्रियों से छुटकारे की। झुर्रियों से निजात पाने के लिए कटहल का पेस्ट बनाकर उसमें एक चम्मच दूध मिलाकर धीरे धीरे चेहरे पर लगाइए। फिर गुलाब जल या ठंडे पानी से चेहरा साफ कर लीजिए। नियमित रूप से ऐसा करने से चेहरे की झुर्रियों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान।